हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी हसल। अभी हम देखेंगे मर्मोट्स के बारे में। सो मर्मोट्स जो है अभी रिसेंटली न्यूज़ में है, लेकिन जो टॉपिक है ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है फॉर द यूपीएससी आईएएस पीसीएस एसएससी के लिए। ओके, सो ये जो है अभी रिसेंटली न्यूज़ में है। सो चलिए देखते हैं क्या है न्यूज़ में। सो रिसेंटली जो कि एक रिपोर्ट जो है जो कि रिलीज हुआ है, उसी रिपोर्ट में मेंशन है कि एक जो कि बुबनिक प्लेग जो है ये स्प्रेड हो रहा है। कहाँ पे? ना मंगोलिया, चाइना एंड रशिया में। ओके, ये जो है ये किसके द्वारा हो रहा है ना, ये जो बुबनिक प्लेग है ये बाय द टर्बागन जो कि मर्मट है, ये स्पेसीज ऑफ मर्मट है। सो इसके द्वारा हो रहा है। ओके, सो इसमें हम देखेंगे जो कि मंगोलिया कहाँ पे। सो दिस इज द मंगोलिया। जो मंगोलिया है ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, लैंड लॉक्ड कंट्री है। एंड इसका जो है जो कि है बाउंड्री किसके किसके साथ है, एंड कौन सा कंट्री जो है इसके साथ को इसका जो कंट्री को टच किया, एक तो हो गया रशिया हो गया, एक तो हो गया कजाकिस्तान का थोड़ा सा ही यहाँ पे जो कि टच है, देन चाइना हो गया। ठीक है, ये तीनों कंट्री जो है इसको इसका जो बॉर्डर लाइन टच करते हैं। सो बुबनिक जो कि ये जो है बुबनिक प्लेग क्या होता है ना, बुबनिक प्लेग जो है कि रेयर बट सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि ट्रांसमिटेड होता है बाय द फ्लीज। बुबनिक प्लेग को कॉज्ड बाय द बैक्टीरियल यार्सिनिया पेस्टिसिए। ओके, इट कैन स्प्रेड थ्रू द कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड फ्लीज। इसके लिए क्या है ना, जो कि ट्रीटेबल बाय द मेडिकल प्रोफेशनल, स्प्रेड बाय एनिमल एंड जो कि इंसेक्ट के द्वारा होता है ये स्प्रेड होता है। ओके, ये एक रिक्वायर्ड है, मेडिकल डायग्नोसिस रिक्वायर्ड है इसके लिए। एंड मर्मोट के बारे में देखेंगे। मर्मोट जो है ये बिलोंग्स टू द स्क्वेरल फैमिली, जो कि मैंने फोटो देखा था ये स्क्वेरल जो होता है उसका फैमिली का है। ओके, सो ये जो है ये ऑलमोस्ट 15 स्पीसीज है एंड क्लोजेस्ट लिविंग जो कि रिलेटिव्स ऑफ द मर्मोट्स है द ग्राउंड स्क्वेरल्स एंड द फेरी डॉग्स होता है। सो फेरी डॉग्स क्या होता है ना, फेरी डॉग्स भी उसके जैसा होता है जो कि मर्मोट्स के जैसा होता है। एंड ये कि हर्बीवरस जो कि एनिमल है एंड ये बेसिकली कहाँ पर रहता है ना, नॉर्थ अमेरिका ग्रासलैंड में रहता है। मर्मोट्स आर वेल सुइटेड फॉर द लाइफ इन द कहाँ पर रहते हैं ना, ये कोल्ड जो कि एनवायरनमेंट है वहाँ पे ये इजीली वहाँ पे इनका जो सुइटेबल है रहने के लिए। एंड ये जो होता है ये बहुत स्मॉल रहता है एंड स्मॉल फॉर कवर्ड रहता है, यस में शॉर्ट स्टॉकी लेग्स जो कि है, स्ट्रॉन्ग क्लाउज है फॉर द डिगिंग। ठीक है, सो ये जो मर्मट्स जो कि मर्मट्स रहते हैं ये क्या है ना, फॉर्स क्या होता है, फॉर्स में से उसका जो हेयर है उसको बोलते हैं फॉर्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो है एक छोटा सा रहता है एंड इसका जो है स्ट्रॉन्ग क्लाउज रहता है, सो दैट ये क्या ना डिग करके उसमें रह सकता है। सो जैसे कि क्या है ना, किसी से बचने के लिए उसका जो है दुश्मन रहता है, एनिमी रहता है। मीन्स एनिमी कौन कौन है, जैसे कि ईगल हो गया, ठीक है, टाइगर हो गया, स्नो लेपर्ड हो गया। ठीक है, उससे बचने के लिए क्या है ना, ये वो डिग करके वहीं पर एक जो है होल्ड करता है, उसमें जाके छुप जाता है वो। सो मर्मोट्स क्या, मर्मोट्स जो है एक्टिव, मैक्सिमम एक्टिव रहता है ड्यूरिंग द डे टाइम में, एंड नाइट टाइम में तो रेस्ट ही करता है, ये ज़्यादा उसको दिखाई नहीं देता। ओके, सो ऑलमोस्ट एंटायरली वेजिटेशन जो कि वेजिटेरियन रहते हैं ये लोग। और हैबिटेट देखेंगे, ये फाउंड प्राइमरली कहाँ पे ना, कंटिनेंट यूरोप एशिया नॉर्थ अमेरिका में मिलते हैं, एंड साउथ एशिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखेंगे जो कि ये जो है हिमालयन मर्मोट जो है ये हिमालयन एरिया में रहते हैं एंड द लॉन्ग टेल्ड मर्मोट भी रहते हैं। एंड ये जो है इंडिया एंड साउथ एशिया का कंसर्न देखेंगे, ये जो दोनों मैंने बताया अभी, ठीक है, एक तो हो गया मर्मोट हिमालयन मर्मोट एंड लॉन्ग लेग्ड जो कि टेल्ड मर्मोट है, ये दोनों लिस्ट कंसर्न है IUCN रेड लिस्ट में। एंड टर्बागन और मंगोलियन मर्मोट जो होता है ये एंडेंजर्ड है, इज फाउंड इन मंगोलिया चाइना पार्ट ऑफ रशिया। यहाँ पे एंडेंजर्ड किस लिए है, ठीक है, यहाँ पे इसलिए है क्योंकि ये जो है व्हाइल द डिगिंग द बोन्स मर्मोट्स इंक्रीज द एक्सेलरेशन जो कि एरेशन इन द सॉयल व्हिच इंक्रीज द न्यूट्रिशन सर्कुलेशन एंड हेल्प्स द डिफरेंट प्लांट्स टू द प्रोपागेट। ओके,
एंड मरमट्स जो है, इसके मरमट से क्या क्या फायदा मिलता है? मरमट से एक तो हो गया डिगिंग करने से क्या हो जाता है ना, जो कि जो सॉइल का जो है एरेशन हो जाता है, सो देट क्या है ना, न्यूट्रिशन सर्कुलेशन हो जाता है, जो कि पेड़ होता है उसको बढ़ने में इजी रहता है। देन मरमट्स जो है प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द हिमालयन इकोलॉजी, एंड मैंने ये बता दिया कि दे आर द प्रे स्पीसीज फॉर द, जैसे कि क्या है, स्नो लिपर्ड है, उसका दुश्मन एनिमी, ओके, रेड फॉक्स है, हॉक्स है, ईगल्स है। सो थ्रेट किस लिए है? थ्रेट इसलिए क्योंकि मंगोलिया, चाइना एंड रशिया में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हंटेड कर देते हैं, इसका जो है मीट के लिए हंटेड कर देते हैं, कहाँ पे ना, चाइना एंड मंगोलिया में, ठीक है, मैक्सिमम ये दोनों जो कंट्री है इसमें मरमट्स को जो है हंटेड कर देते हैं। सो मरमट्स जो है हंटेड करते हैं बेसिकली, एक तो हो गया मीट के लिए, दूसरा जो है फर के लिए। फर मैंने बताया था उसका जो क्या है ना, इसका हेयर है, उसके हेयर को क्या करते हैं ना, वहाँ पर बाजार में जो है इसको हाई रेट में उसको बेचते हैं। फॉर देट क्या है ना, उसको लेके बहुत सारा जो होम मेड के लिए जो है जो कि ब्रश एंड जो कि फैशन के लिए जो है ब्रश यूज करते हैं, उसके लिए उसको यूज करते हैं लेके, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू।